6 जनवरी 1989 27 साल के सतवन सिंह और 54 साल के कहर सिंह को दिल्ली के तिहार जेल में फांसी दी गई। उनको इन धाराओं के तहत कोर्ट ने दोषी ठहराया था। इसके 5 साल पहले 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी अपने दिल्ली के सफदरजंग रोड वाले पीएम आवास में तैयार हो रही थी। उन्हें 9:30 बजे ब्रिटिश एक्टर पीटर उस्टिनो को डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू देने जाना था। अपने ऑफिस से बाहर निकलते वक्त उनके साथ 3 लोग मौजूद थे, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, पर्सनल सेक्रेटरी आरके धवन और पुलिस कांस्टेबल नारायण सिंह, और गेट के पास खड़े थे 2 बॉडीगार्ड्स, न्यूली जॉइंट सतवन सिंह और पिछले 10 साल से उनके साथ काम कर रहे बियंत सिंह। असैसिनेशन के 1 महीने पहले इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने 6 सेपरेटिस्ट ग्रुप पर लगाए हुए वायर टैपिंग और सर्विलियंस की मदद से एक कन्वर्सेशन को इंटरसेप्ट किया था, जिसमें इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की बात चल रही थी। फॉर्मर रॉ ऑफिसर जीबीएस सिद्धू अपनी किताब में लिखते हैं, रॉ के पास इंदिरा गांधी की जान को धोखा है इसका क्रेडिबल इंटेलिजेंस था, बट पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसे इग्नोर किया। नतीजा ये हुआ कि 31 अक्टूबर की सुबह इंटरव्यू देने जा रही इंदिरा गांधी की उनके 2 बॉडीगार्ड ने गोली मार कर हत्या कर दी। बाद में पता चला कि जो कन्वर्सेशन इंटरसेप्ट हुआ था उसमें से एक आवाज उनके बॉडीगार्ड सतवन सिंह की थी। पर आखिर उन दोनों ने ये कदम उठाया क्यों, इसे समझने के लिए जाना होगा 30 साल पीछे। इंदिरा गांधी की हत्या से रिलेटेड कई थ्योरीज है, कुछ कोर्ट में प्रूव हो चुकी है तो कुछ आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। इन सभी एंगल्स को हमारे थिंक टैंक की टीम ने स्टडी करके फैक्ट्स के बेसिस पर इस वीडियो में प्रेजेंट किया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। 1950 में पंजाब के अकाली दल ने पंजाबी सूबा मूवमेंट को लॉन्च किया, जिसमें पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए ऑटोनोमस रीजन की मांग की गई थी। इस मूवमेंट को 1955 तक उस वक्त की गवर्नमेंट क्रश करने में कामयाब रही, पर अकाली दल 67 में फिर से पावर में आने के बाद इन डिमांड्स ने फिर से सर बाहर निकाला। 60s और 70s के दशक में इस मूवमेंट को इंडिया के बाहरी दुश्मनों से भी सपोर्ट मिला। जगजीत सिंह चौहान, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब फ्रॉम अकाली दल, खालिस्तान मूवमेंट के एक इम्पोर्टेंट फिगर थे। उन्होंने इस मूवमेंट को भारत के बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में लॉन्च किया। वो अपनी किताब में लिखते हैं, वॉशिंगटन में मेरी CIA ऑफिशियल से हुई मुलाकात में उन्होंने मुझे खालिस्तान मूवमेंट में सपोर्ट देने का वादा किया, क्योंकि CIA इस मूवमेंट को इंडिया के अगेंस्ट यूज करना चाहता था ताकि सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस कुछ हद तक कम कर सके। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो का भी हमारे मूवमेंट को फुल सपोर्ट था। इस पर फॉर्मर रॉ ऑफिशियल जीबीएस सिद्धू लिखते हैं कि CIA ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेल्प खालिस्तानी लीडर्स को की। ये पैसा उन्होंने पाकिस्तानी और अमेरिकन NGOs के थ्रू उन तक पहुंचाया। इस फंड का इस्तेमाल वेपन्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स खरीदने और मिलिटेंट्स की ट्रेनिंग पर किया गया। उनके ट्रेनिंग कैंप्स पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान में सेटअप किए गए थे, जहाँ पर CIA ट्रेंड ऑफिशियल्स उन्हें ट्रेन करते थे। ये कॉन्स्पिरसी इंडिया के खिलाफ कई सालों तक चलती रही। 1970s में राइज हुआ जर्नैल सिंह भिंडरावाले का, जिसके पीछे कुछ हद तक कांग्रेस का भी हाथ था। कांग्रेस पार्टी भिंडरावाले का इस्तेमाल अकाली दल के खिलाफ यूज करना चाहती थी ताकि इलेक्शन के वक्त सिख वोट स्प्लिट हो सके, पर हुआ इसका उल्टा। 1982 में भिंडरावाले ने अकाली दल को ज्वाइन किया और खालिस्तानी मूवमेंट्स को इंटेंसिफाई किया। भिंडरावाले ने अनंतपुर साहिब रिजोल्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन की डिमांड की। ये रिजोल्यूशन 1973 में अकाली दल के द्वारा पास किया गया था, जिसमें पंजाब की ज्यादा ऑटोनॉमी, सिख धर्म और कल्चर के प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक राइट्स की मांग की गई। वो पंजाब को एक सेपरेट स्टेट खालिस्तान बनाना चाहते थे। भिंडरावाले ने गोल्डन टेंपल से अपने स्पीचेस के जरिए सिख कम्युनिटी के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। पंजाब के कई एरियाज, खासकर रूरल रीजन में इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सोशल इश्यूज की वजह से डिससैटिस्फेक्शन बढ़ रहा था। भिंडरावाले ने इस इशू को अपने एडवांटेज के लिए यूज किया। उन्होंने अपने स्पीचेस में गवर्नमेंट पॉलिसीज को फार्मर्स और रूरल कम्युनिटी के अगेंस्ट बताया और उनका सपोर्ट हासिल किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद पंजाब की इकोनॉमी में कुछ प्रोग्रेस तो हुई थी, लेकिन इससे जो रीजनल डिस्पेरिटीज और इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी बढ़ी उन्हें भिंडरावाले ने अपने नैरेटिव्स में इंक्लूड किया। साथ ही उन्होंने आर्म्ड मिलिटेंट्स और सेम आइडियोलॉजी रखने वालों का एक सेपरेट नेटवर्क क्रिएट किया। 19 जुलाई 1982 को भिंडरावाले ने अपने 200 सपोर्टर्स के साथ गोल्डन टेंपल में एंटर किया। गोल्डन टेंपल को कैप्चर करके भिंडरावाले ने सिख कम्युनिटी के एक पवित्र स्थल को एक मिलिट्री बेस में कन्वर्ट किया। गोल्डन टेंपल का मिलिटराइजेशन अब एक कंट्रोवर्सी बन गया था। टेंपल के अंदर उन्होंने बंकर्स बनवाए, वहां पर आर्म्स और एम्यूनिशन को स्टॉकपाइल किया
और वहां से अपने एक्टिविटीज को अंजाम दिया। इनिशियली जिस कांग्रेस गवर्नमेंट ने भिंद्रांवाले को अपने पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, अब उसी गवर्नमेंट को यह डर लगने लगा कि भिंद्रांवाले पूरे पंजाब में मिलिटेंसी फैला देगा। 1984 में इंदिरा गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा था, भिंद्रांवाला एक पावर के भूखे व्यक्ति है जो धर्म का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। भिंद्रांवाला को पकड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया जो 7 दिनों तक चला। इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेंपल में एंटर करके जनरल सिंह भिंद्रांवाला और उनके आर्म्ड सपोर्टर्स का एनकाउंटर किया। इन सब में गोल्डन टेंपल का काफी नुकसान हुआ और कई सिविलियंस की मौत भी हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी का रिमेनिंग टेन्योर काफी टफ गुजरा क्योंकि देश भर में एंटी सिख रायट्स फैल गए थे। इस ऑपरेशन को हेड कर रहे थे जनरल KS ब्रार, जो अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार में लिखते हैं, हमने गोल्डन टेंपल को आइसोलेट करने के लिए मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनाई जिसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी और आर्म्ड यूनिट्स को कंबाइन किया गया। वो ये भी लिखते हैं कि हमारी टैक्टिक्स कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई थी कि सिविलियन कैजुअल्टी ना हो और टेररिस्ट थ्रेट भी न्यूट्रलाइज हो जाए। जनरल ब्रार का मानना है कि यह ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया पर इसकी इंडिया को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि देश भर में दंगे फैल गए और इन्हीं दंगों का सीधा कनेक्शन है इंदिरा गांधी के असैसिनेशन से। हमारे रिसर्च में एक शॉकिंग बात सामने आई है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के 2 महीने पहले अप्रैल 1984 को रॉ ऑफिशियल्स ने इंदिरा गांधी के सामने ऑपरेशन सनडाउन का प्लान प्रेजेंट किया था जिसमें भिंद्रांवाले को गोल्डन टेंपल की लंगर की छत से हेलीकॉप्टर और कमांडोज की मदद से जिंदा पकड़ने का प्लान था। ये गोल्डन टेंपल की वही जगह थी जहां से भिंद्रांवाले अपने फॉलोअर्स को एड्रेस करता था। इस ऑपरेशन के बारे में एक्स रॉ ऑफिशियल GBS सिद्धू ने ANI को दिए गए इंटरव्यू में डिटेल में बताया है। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि उस समय इंदिरा गांधी के साथ काम करने वाले लोगों ने उन्हें इस प्लान को एग्जीक्यूट ना करने की सलाह दी थी। शायद भिंद्रांवाले के पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो वो बाहर नहीं आने देना चाहते थे। इस प्लान की शुरुआत हुई 2 लोगों से, एक केहर सिंह जो दिल्ली के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल के डिपार्टमेंट में क्लर्क था। उसकी सिख मिलिटेंट्स के साथ जान पहचान थी जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप का मेंबर भी था। ये एक खालिस्तानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका गोल पंजाब को भारत से अलग करना था। इनिशियली इस प्लानिंग की शुरुआत केहर सिंह और इन्हीं मिलिटेंट्स के साथ हुई। बाद में केहर सिंह ने अपने प्रपोजल को बीएन सिंह के साथ शेयर किया। बीएन सिंह एज अ बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी के साथ पिछले 10 सालों से काम कर रहा था। इन दोनों की मुलाकात गुरुद्वारे में होती रहती थी। यही से शायद केहर सिंह को इस बात का पता चला कि बीएन सिंह इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज थे और सिख धर्म के पवित्र स्थल गोल्डन टेंपल का इस ऑपरेशन के दौरान जो भी नुकसान हुआ इसके लिए वो उन्हें जिम्मेदार समझते थे। इस प्लानिंग में बीएन सिंह के शामिल होने से कॉन्स्पिरेटर्स के 2 फायदे हुए। पहला, उन्हें एक ऐसा आदमी मिल गया जो इंदिरा गांधी जी को पर्सनली जानता था। उनकी सिक्योरिटी में होने के कारण वो उनके आसपास रहकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकता था। और दूसरा फायदा ये हुआ कि बीएन सिंह ने रिक्रूट किया 22 साल के सतवंत सिंह को, जिसने इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी विंग में एज अ कांस्टेबल न्यूली ज्वाइन किया था। केहर सिंह ने इन दोनों को एक सेफ हाउस प्रोवाइड किया जहां पर ये दोनों असैसिनेशन की प्लानिंग करते थे। इसके साथ ही उसने इन दोनों के लिए फंडिंग भी इकट्ठा की और सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स एस्टेब्लिश करने में इनकी मदद की। और सबसे बड़ी बात, अपनी जॉब की वजह से उसे जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स का एक्सेस मिला था उसका इस्तेमाल करके उसने इन दोनों को इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और उनके शेड्यूल से रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड की। कई हफ्तों तक इन दोनों ने इंदिरा गांधी की मूवमेंट्स को ट्रैक किया ताकि ये पता चल सके कि उनकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा वीक कहां पर है। जहां एक तरफ ये प्लानिंग हो रही थी वही दूसरी तरफ असैसिनेशन के एक दिन पहले की सुबह इंदिरा गांधी ने भुवनेश्वर में एक स्पीच देते वक्त कहा था, आज मैं जिंदा हूँ शायद कल ना रहूं। कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही मिल जाए। ये वो दिन था जिस दिन दोनों असैसिनेटर्स ने अपने ड्यूटी की पोजीशन को कुछ इस तरह से चेंज किया कि वो अपने प्लान को इजीली एग्जीक्यूट कर सके। सतवंत सिंह ने अपनी ड्यूटी को एक कांस्टेबल के साथ रिप्लेस किया ये कहकर कि मेरा पेट खराब है और तू जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ से टॉयलेट पास आता है। वही बीएन सिंह की उस दिन की रात की ड्यूटी लगी थी पर उसने अपनी ड्यूटी चेंज करके सुबह की कर ली। 31 अक्टूबर की सुबह दोनों ने इंदिरा गांधी पर बंदूकों से अंधाधुंध फायरिंग की। बीएन ने वहीं पर सरेंडर किया और वो ऑन द स्पॉट पुलिस के हाथों मारा गया, पर सतवंत ने भागने की कोशिश की और वो पकड़ा गया। इंदिरा गांधी को इलाज के लिए तुरंत वहां से 4 किलोमीटर दूर एम्स में ले जाया गया।
पर दोपहर 2 बजे के आसपास उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। अब राजीव गांधी देश के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए। आई राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की डेथ की शाम से ही पूरे दिल्ली में एंटी सिख रायट्स फैल गए थे। बीएन सिंह की वाइफ बिमल कौर को भी अपना घर छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि लोग वहां पर इनोसेंट सिख फैमिली को भी टारगेट कर रहे थे। जब ये वॉयलेंस हो रहा था तब करंट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने कहा था, जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। कई लोगों ने इस स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया क्योंकि उनका मानना था कि राजीव गांधी इन रायट्स को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। 3,000 से भी ज्यादा लोग इस रायट्स में मारे गए थे जिसमें से ज्यादातर सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तौलिंग सिंह लिखती है कि असैसिनेशन के बाद जो कुछ भी हुआ है वो एक प्री प्लान तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। जहाँ एक तरफ देश में वॉयलेंस फैल रहा था वही दूसरी तरफ असैसिनेशन की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी थी। इंदिरा गांधी की असैसिनेशन को लेकर देश की पॉलिटिक्स में ब्लेम गेम शुरू हुआ। उनके पर्सनल सेक्रेटरी आरके धवन ने डॉक्टर की ट्रीटमेंट पर सवाल उठाए, वही दूसरी तरफ आरके धवन पर भी इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाए गए। फॉर्मर रॉ ऑफिशियल जीबीएस सिद्धू अपनी किताब में लिखते हैं, आरके धवन के एक्शंस की वजह से कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस क्रिएट हुए जिनकी वजह से कॉन्स्पिरेटर्स को असैसिनेशन करने में आसानी हुई। अब तक हम आपको असैसिनेशन की प्रूवन कॉन्स्पिरेसी बता रहे थे, पर इस कॉन्स्पिरेसी के कई ऐसे भी एंगल्स हैं जो एविडेंस की कमी की वजह से प्रूव नहीं हो पाए। असैसिनेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनहरलाल ठक्कर के अंडर ठक्कर कमीशन को अपॉइंट किया गया। इस कमीशन की रिपोर्ट ने ये तो प्रूव किया कि असैसिनेशन का कनेक्शन सिख एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स बब्बर खालसा और डमडमी टकसाल से था, पर इसके अलावा इस रिपोर्ट से एक और चौंका देने वाला नाम सामने आया, आरके धवन। रिपोर्ट के मुताबिक शक की सुई आरके धवन पर भी जाती है, पर एविडेंस की कमी की वजह से ये आरोप प्रूव नहीं हो पाए। 15 मार्च 1989 को लोकसभा में कई एमपीज ने ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट और आरके धवन की असैसिनेशन के प्लानिंग में इन्वॉल्वमेंट पर डिबेट करने की डिमांड की। इसके रिस्पांस में तब के लोकसभा स्पीकर बलराम झाकर ने ये कहा कि वो हाउस का टाइम किसी न्यूज़पेपर में छपे आर्टिकल को डिस्कस करने पर वेस्ट नहीं कर सकते, और उन्होंने 63 एमपीज को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा कई ऐसी थ्योरीज भी है जिनमें अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के इन्वॉल्वमेंट की भी बात की गई है, क्योंकि उस वक्त ये कोई सीक्रेट नहीं था कि अमेरिका का पूरा सपोर्ट खालिस्तानी मिलिटेंट्स को था। थरो इन्वेस्टिगेशन के बाद दो और नाम सामने आए, जैसे कि बलबीर सिंह और भाई मंजीत सिंह। बलबीर सिंह को इस बात पर अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी विंग में थे और बीएन सिंह के साथ उनकी जान पहचान थी। इस केस में टोटल 110 हियरिंग्स हुई जिसमें से प्रोसिक्यूशन ने 73 विटनेसेस को कोर्ट में प्रेजेंट किया। डिफेंस के लॉयर राम जेठमलानी सिर्फ 3 ही विटनेसेस को कोर्ट में प्रेजेंट कर पाए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों को फांसी की सजा सुनाई, पर जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया तब एविडेंस की कमी की वजह से बलबीर सिंह को रिहा कर दिया गया और बाकी दोनों की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा। राम जेठमलानी की लीगल स्ट्रेटेजीज की वजह से एक दो बार फांसी को पोस्टपोन किया गया। फाइनली 6 जनवरी 1989 को दोनों को फांसी दे दी गई। देश में वॉयलेंस हुआ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की हत्या हुई, पर इस सब का कांग्रेस के इलेक्शन परफॉर्मेंस पे कोई बुरा असर नहीं पड़ा। इंदिरा गांधी की संपत्ति राजीव गांधी को मिली और इलेक्शन में बड़ी जीत हासिल हुई। पावर में आने के बाद राजीव गांधी ने पंजाब में हालात सुधारने की कोशिश की। उन्होंने अकाली दल के लीडर हरचंद सिंह लौंगोवाल के साथ उनकी डिमांड्स को लेकर निगोशिएशंस किए, जिसमें से कुछ डिमांड्स गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए। राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड के वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब और इंडियन गवर्नमेंट के बीच जो टेंशन्स पैदा हुए थे वो काफी हद तक खत्म हो गए। हमारे देश में ऑपरेशन ब्लू स्टार एक बहुत ही रिलीजियसली सेंसिटिव टॉपिक है। जिन्हें मारने के लिए यह ऑपरेशन ब्लू स्टार एग्जीक्यूट किया गया था वो जर्नैल सिंह भिंद्रांवाले को कुछ लोग आज भी संत मानते हैं और कुछ लोग उन्हें आतंकवादी। जिन लोगों ने इंदिरा गांधी की हत्या की उन्हें आज भी कई लोग शहीदों की तरह देखते हैं। बॉडीगार्ड बीएन सिंह की फैमिली में से उनकी पत्नी और उनके पिताजी ने हादसे के बाद लोकसभा इलेक्शन लड़ा और वो जीते भी। आज के समय में भी उनके बेटे सरबजीत सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लोगों की सिंपैथी कहीं ना कहीं उनके साथ तब भी थी और आज भी है।
तो इसका मतलब क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत था? बीजेपी लीडर एलके अडवाणी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माय कंट्री माय लाइफ में इस ऑपरेशन को दुखद लेकिन जरूरी बताया है और लिखा है कि ये ऑपरेशन गोल्डन टेंपल में छुपे हुए टेररिस्ट को पकड़ने के लिए जरूरी था। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास उस समय पर कोई और चॉइस नहीं थी। इंदिरा गांधी के मन में सिख कम्युनिटी को लेकर बहुत रिस्पेक्ट थी। उनकी बहादुरी और लॉयल्टी की तारीफ उन्होंने अपने स्पीचेस और राइटिंग्स में कई बार की है। शायद इसीलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज के बार बार रिकमेंड करने के बाद भी इंदिरा गांधी ने बीएन सिंह को अपने सिक्योरिटी विंग से नहीं निकाला और उसके ट्रांसफर को भी कैंसिल किया था। इस ऑपरेशन के बारे में इंडिया में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हमें दूर करनी है। ये ऑपरेशन सिख धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं था बल्कि एक छोटे से ग्रुप के खिलाफ था जिन्होंने गोल्डन टेंपल को अपना मिलिट्री बेस बनाया था और कुछ ऐसी डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखी जिन्हें पूरा करना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था। कोई भी देश ये होने नहीं दे सकता कि उसके टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा उससे अलग कर दिया जाए। डाइवर्स कल्चर वाले देश भारत की यूनिटी ही उसकी पहचान है। पंजाब देश का वो रीजन है जिसने भगत सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर को जन्म दिया जिन्होंने 23 साल की उम्र में भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। हम इस वीडियो के थ्रू किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते। हमने अपने रिसर्च के दौरान जो भी बुक्स या आर्टिकल पढ़े हैं उनमें से जो फैक्ट सामने आए वही हमने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। ये था इंदिरा गांधी के बायोग्राफी का एपिसोड नंबर 3। इंदिरा गांधी का गुंगी गुड़िया से लेकर आयरन लेडी बनने तक का सफर अगर देखना चाहते हो तो इससे पहले के 2 एपिसोड्स जरूर देखिए। एपिसोड नंबर 1 गुंगी गुड़िया और एपिसोड नंबर 2 इमरजेंसी।